तो आज मैंने Amazon से मंगाया है 900 रुपए का किचन गैजेट जिसका नाम है ऑटोमेटिक पैन सीरर। गाइस आप जानते हो हम सभी को आजकल मल्टीटास्किंग का शौक है, मतलब भाई हम वॉशरूम भी जाते हैं तो उसमें फोन लेकर जाते हैं, नेटफ्लिक्स भी चलाते हैं तो साथ में खाना खाते हैं, हर चीज में हमें मल्टीटास्किंग का कीड़ा हो गया। तो ऐसे में ऑटोमेटिक पैन सीरर आपके बहुत काम आ सकता है, चलो दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले प्रोडक्ट देखिए आप, ये 900 रुपए का प्रोडक्ट है और इसका काम ये है, ये बेसिकली ना आपकी ऑटोमेटिक सेल्फ रोटेटिंग करछी है कि मतलब आपको बार बार करछी चलाने ना पड़े, उसकी जगह आप इसके रिप्लेस कर सकते हो और कोई भी ग्रेवी आइटम या फिर सूप वगैरह बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो इसके अंदर हमारा एक ये निकला है, ये आई बिलीव मोटर है, साथ में एक मैनुअल है जिसको फेंक देते हैं और बॉक्स है जिसे भी फेंक देते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 मतलब बैटरी पावर्ड है। इसके साथ साथ ये 3 मोड्स में काम करता है, मीडियम, लो और हाई, तो आप जिस भी स्पीड पे इसे घुमाना चाहते हो घुमा सकते हो। अब ये प्रोडक्ट को अटैच करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए पगलट क्या है तू, व्हाट इज यू। देखिए गाइस हम सबके घरों में ना कस्टर्ड तो बनता है, मतलब हमने बचपन में भी बहुत खाया है, आजकल भी हम लोग बनाते हैं, और कस्टर्ड बनाने में सबसे बड़ी दुविधा यही आती है कि उसको बार बार चलाना पड़ता है। अब उसका प्रॉब्लम का उपाय हम निकालेंगे इस ऑटोमेटिक पैन सीरर से। तो सबसे पहले थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेते हैं। कस्टर्ड बनाना आता है? कस्टर्ड बनाना भाई मैंने बहुत पहले से सीखा हुआ है, मतलब बचपन में हमारी मम्मी हमें आइसक्रीम के नाम पे कस्टर्ड ही खिला देती थी जमा के। अच्छा उबालने के लिए रख लेते, सारा डाल दूं। दिख रहा है, इससे तू समझ गया होगा मेरे को कितना कस्टर्ड बनाना आता है। अब गाइस हम लेते हैं थोड़ा सा कस्टर्ड। देखिए कस्टर्ड बनाना हमें जितना आता है ना हम तो अंदाजे से गाइस बना रहे हैं, बट बेसिकली हमारा फंक्शन ये है कि हमें पैन सीरर टेस्ट करना है कि ये सही कि नहीं है। अब कस्टर्ड अच्छा बने बुरा बने इसकी सिद्धती नहीं है। गाइस आपके पास ये चीज आए तो आप इसको किस चीज में यूज करना चाहोगे जरा कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारा लगता है ये तैयार हो गया है, दूध बस गर्म होने वाला है। खाना है क्या जेन्युइनली? हाँ गाइज अब देखो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हमने ऑन कर दिया और इसकी स्पीड हम बढ़ा देते हैं और हाई पे कर देते हैं। अब ये देखो अब इस तरीके से हमारी कोई टेंशन नहीं है, हम हाथ फ्री है। अब मेरा फोन कहाँ है? हाँ ये रहा, हाँ मेरा फोन ला बे। हाँ अब मैं यहाँ पर रील देख सकता हूँ, मैं यहाँ पर यूट्यूब चला सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा कस्टर्ड तैयार होता रहेगा, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में तो प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, 900 रुपए के हिसाब से चीज डिसेंट है। इसका जो बेस है ना, इसकी जो लेग्स है जो कि इसके अंदर जाती है 120 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकती है क्योंकि नायलॉन लेग्स है, इससे इस पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आप एक तरीके से सेफ, ओहो ये तो हार्ड होता जा रहा है, पर एक किन कंडीशंस तक टिक पाएगा यही हमें आज जानना है। अब वो गाढ़ा हो गया है ना, फेल हो रहा है। अरे भाई किस काम का है, ये नहीं आने चाहिए, ये तो मैक्स मैक्स स्पीड पे है। ये देखो यहाँ घूम रहा है हराम ज्यादा। अरे भाई ये किस काम का है भाई, मतलब एट द एंड ऑफ द डे खरीदने के बाद भी मुझे हाथ से ही चीज चलानी पड़ रही है, तो फिर क्या ही फायदा। एक बार दोबारा कोशिश करके देखता हूँ। Useless piece of shit यार, ये Amazon पर साला कभी कोई ढंग की चीज मिलेगी मेरे को ये बताओ। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। कितने का था ये? 900 रुपए का। पैसा बर्बाद। Guys कस्टर्ड के मामले में तो हमारा पैन सीरर हो गया फेल, क्योंकि आप सामने ही देख रहे हो बबल्स आने शुरू हो गए हैं, कस्टर्ड हमारा पूरा खराब होने लग गया है। तो हम इसको चम्मच से ही बनाएंगे और एक बार इसको सूप में ट्राई करके देख लेते हैं। पानी हम गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। साला बनाना आता है? हाँ भाई इतना तो आता होगा यार मेरे को। पानी पहले डालू या सूप पहले डालू? अबे साले पहले पानी। हाँ फिर ठीक आता है आता है, चलो इतना बहुत है। सूप भी एक ऐसी चीज है कि इसको भी अगर ना चला दे रहा हूँ ना वही चीज हो जाती है, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, बबल्स आने लग जाते हैं और उसके बाद फिर सूप में वो मजा नहीं रहता, वो थिक हो जाता है काफी। मशीन ओ हाँ 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 साला ये तो भूल ही जाता हूँ मैं, इस बार कम में चलाते हैं यार, तुम सालों ज्यादा बढ़वाते हो। ठीक है तो ये शुरू हो गया हमारा पैन स्टिरर पकाना। साइड का हिस्सा तो घूम रहा है, बीच का वैसा का वैसा है। अरे मेरे भाई बीच में चला, बीच में चल, बीच में है। रुक जाओ। हाँ चलो, मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत मैनुअल मदद करने की जरूरत है, ये अकेले मशीन भी इतनी कारगर नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से गाइस हमारा सूप रेडी हो गया है,
और इसकी अगर आप बेस को भी देखोगे तो हाँ डेफिनेटली गर्म तो हुआ है बट खाने के मामले में सेफ है, आपके फूड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे। सूप भी जहरीला ही बना यार, ये बढ़िया था गुरु। ठीक है, मतलब काम चलाओ काम कर दिया है इस बार। इस तरीके से कुछ हमारा सूप रेडी हो गया है ऑटोमेटिक पैन स्टीरर की मदद से। बाकी गाइस आप इसको किस चीज के लिए अपने किचन में यूज करना चाहेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए कितना यूजफुल है भाई वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो कोई और आइडिया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अबे तो और भी कहीं काम आ सकता है। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं आराम।